इस महीने में जिनका जन्मदिन है, इस पूरी साल में जिनका जन्मदिन है, उन सबको इस दिन की बहुत बहुत मुबारक बधाई हो, क्योंकि सभी का जन्मदिन मुबारक हो। और सत्संगत, ये मुबारक घड़ी और भी मुबारक इसलिए हो गई है क्योंकि ये जीवन मुबारक हो गया है। भाग्यशाली है जिनको जन्म मिल गया है, लेकिन सौभाग्यशाली वो है जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो हम सब ज्ञान प्राप्त हुए हैं तो सौभाग्यशाली, हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ज्ञान जीवन में बना रहे, इसलिए संत महात्मा सत्संग करते हैं। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग लाभ निहारी। हम सब पढ़ते थे और आप सब जानते भी होंगे, नहीं सब पढ़ते ही हैं कि जो राम का नाम है, राम का नाम क्या है? राम का नाम ज्ञान है, यानी निरंकार। आज उस वक्त राम कहा था, राम का मतलब रमा हुआ, आम का मतलब सब है, जो सब में रमा हुआ है इतिहास वो राम है। तो राम का नाम यानी अब जैसे उसको निरंकार कहते हैं, निराकार, इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई आकार नहीं, तभी तो सब में रमा हुआ है वो। उसका नाम कैसे है? जैसे हाथों से ताली बजाना, और ताली बजाने से क्या होगा कि वो जो संशय रूपी विहंग है, संशय रूपी पक्षी है, वो उड़ जाएंगे। माता जी ने कहां से शुरू किया? कहते हैं एक किसान की बहुत अच्छी फसल तैयार, बड़ी अच्छी फसल, और वो फसल बड़ी मेहनत करके तैयार की उसने। माता जी कहते हैं ऐसे वो फसल तैयार हुई, बड़ी मेहनत की, अब वो फसल तैयार हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसको पक्षी खाने लगे, जानवर खाने लगे, तो उसने क्या किया, ताली बजा के आवाज लगाना शुरू। माता जी कहती है ये जो फसल है ये आपकी आत्मा है, और इस आत्मा को संशय रूपी पक्षी युगों युगों से खाते आ रहे, इसलिए तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ती है ये आत्मा। तो इस फसल को बचाने के लिए गुरु ने क्या किया, राम नाम रूपी ताली बजाने वाला ज्ञान दे। कहते हैं जो ताली बजा रहा है किसान को ज्ञान है, और इस ज्ञान का इस्तेमाल लगातार करता रहेगा तो फसल बच जाएगी, और अगर ताली बजाना बंद कर दिया तो पक्षी आकर के उस फसल को खा जाए। शास्त्र ने बड़ा आपने चिंतन किया, गुरु की बात को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन सोचा वास्तव में ये तो बात ऊपर ठीक है, मेरी आत्मा जिसको बड़ी मुश्किल से मैं प्रयास करके प्रार्थना करके अरदास करके मानव जन्म तक ले गया है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान जन्म, यानी आत्मा अब वैसी हुई है कि बच सकती है। ये जो जन्म है यही जन्म एक ऐसा जन्म है जिस आत्मा का बचाव हो सकता है, और आत्मा बच सकती है बंधनों से अगर ज्ञान का इस्तेमाल करे। नंबर वन तो ज्ञान मिलेगा, हमें तो ज्ञान मिल गया है, अब ज्ञान मिल गया है, ज्ञान का इस्तेमाल होगा अगर हम लगातार सेवा सिमरन और सत्संग करें लगातार, क्योंकि लगातार देखना चाहिए फसल की, लगातार देखना चाहिए, तभी तो फसल तैयार होकर जा रही, तभी तो ये आत्मा बचेगी, बच के आत्मा कब जाएगी, जब लगातार हम सेवा सिमरन सत्संग करेंगे। सेवा करेंगे तो क्या होगा, सहायता जो की जाती है उसका पता रहता है, लेकिन सेवा जो की जाती है उसका पता नहीं होता है। तो सेवा, जिसने सेवा की उसके बच्चों ने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, ये उस वक्त उस महात्मा ने सोचा भी नहीं। तो सेवा करने से क्या होगा, हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, सुख आएंगे, खुशियां आएंगी, और इसी तरह से जब हम सिमरन करते हैं तो सहसा जी फरमाया करते थे कि सिमरन करते वक्त अगर आप 8 मंजिल की इमारत से भी गिर गए हो तो निरंकार 20 से हाथ निकालेगा और आपको बचा लेगा।
सिमरन में इतनी ताकत है, सिमरन में बहुत शक्ति है। तो ये जो हमारी आत्मा रूपी फसल है, जहां इसको बचाया जा सकता है सेवा करके, सिमरन करके, वही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो उचित है वो है सत्संग। सत्संग के बारे में अनेकों शास्त्रों में लिखा है। महात्मा कहते हैं कि दुनिया की दौलत फिर भी कमाई जा सकती है, उसके लिए बहुत से आसान तरीके हो सकते हैं, लेकिन सत्संग आसानी से नहीं मिलता। सत्संग सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक हुआ। संसार में सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है, एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात समझो। सब उनके बच्चे जो संगत के साथ जुड़े हैं, उस माँ के ही तो बच्चे हैं सब, उनका परिवार उनका बच्चा नहीं है, वो सब बच्चे जो उस माँ के साथ उस वक्त जुड़े, उसका तप क्या हुआ, उसका कर्म क्या हुआ। माता जी के जीवन में सुख वक्त से, खुशियां वक्त से, आनंद वक्त से, इसी तरह से भक्ति करते हुए सदगुरु के आश्रय अनुसार सदगुरु ने जो व्यवस्था बनाई है, सदगुरु ने जो महात्मा यहाँ नियुक्त किए हैं, उनके वचनों के अनुसार ये पूरी ही तरह से अपनी भक्ति भी निभाए और पूरी खुशियां भी प्राप्त करें। तेरे दर से ही हम मांगे दुआ, प्रभु सारे जहां का भला करना, प्रभु सारे जहां का भला करना। तेरे दर से यही हम मांगे दुआ, तेरे दर से यही हम मांगे दुआ, प्रभु सारे जहां का भला है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको जरूर क्लिक करें और उसके बाद बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी हर वीडियो की जानकारी तभी मिलेगी। एक बात और याद रखना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किशोर स्वाणी की।